वादी कश्मीर से इस वक्त एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सब नेशनल सर्टिफिकेशन फॉर टीबी एलिमिनेशन ऑफ इंडिया के तहत अनंतनाग और पुलवामा को ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया है। और ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर डॉक्टर अफदर कादरी के मुताबिक दो और इजला यानी पुलवामा और अनंतनाग जिन्हें अब ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया है। और आपको बता दें कि इनका मजीद ये भी कहना है कि इससे पहले श्रीनगर ने जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है और साथ ही साथ पूरी यूटी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम तर इजला ने अभी तक इस स्टेटस को मेंटेन करके रखा है। उनका कहना है कि बडगाम को 2021 में ही ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया था, क्योंकि लगातार कोशिशें जारी हैं कि लोगों के चेकअप्स किए जाएं, उनकी स्क्रीनिंग की जाए और इन तमाम तर केसेस एक्टिव केसेस को सामने लाया जा सके और उनको जो है वो ठीक किया जा सके, उनका इलाज व मुआवजा किया जा सके। और हमारा जो टारगेट है 2025 तक पूरे इंडिया को हमने ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करना है। और इसी के चलते आज यानी अनंतनाग और पुलवामा को ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया है। इससे पहले बडगाम को भी 2021 में ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन जो है वो करार दिया गया था। और इनका कहना है कि अभी तक कश्मीर को 3 गोल्ड मेडल्स हासिल हो चुके हैं और अब इसमें और भी अपग्रेडेशन होगी, क्योंकि अनंतनाग और पुलवामा भी अब ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन जो है वो करार दिए गए हैं। ट्यूबरकुलोसिस से आप बखूबी वाकिफ होंगे, ये तपदिक की बीमारी है। और उनका कहना ये भी है कि वादी कश्मीर में अब टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में जो है वो कमी देखने को मिल रही है और हम इस टारगेट को अचीव करेंगे जो 2020 में शुरू किया गया था, और 2025 तक इस टारगेट को हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि हम एक्टिव केसेस को फाइंड आउट कर सकें, उनकी स्क्रीनिंग कर सकें और उनका इलाज व मुआवजा कर सकें। उनका कहना है कि हमने 4 कैटेगरीज बनाई हैं और इन 4 कैटेगरीज में हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इजला में कितने केसेस हैं ट्यूबरकुलोसिस को, और हम इन केसेस में रिडक्शन यानी इन केसेस में कमी लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो टॉप स्पॉट है हमारा टीबी फ्री स्टेटस का, उसमें उसका मतलब है 80% जो है ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में रिडक्शन हो रही है। जो दूसरा है उसमें गोल्ड मेडल कैटेगरी है, इसमें 60% रिडक्शन हो रही है, और सिल्वर मेडल कैटेगरी का जो है इसमें 40% रिडक्शन की बात की जा रही है, और जो ब्रॉन्ज मेडल कैटेगरी है इसमें 20% रिडक्शन की बात की जा रही है। उन्होंने ये कहा कि बडगाम ऐसा पहला इजला है जहां पर ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया था और सब नेशनल सर्टिफिकेशन की जानिब से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था ताकि तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्रेस मार्क की जाए, पता लगाया जा सके कि कौन से इजला में कितने ट्यूबरकुलोसिस के एक्टिव केसेस हैं और उन्हें जो है वो कम करने की कोशिश की जाए, यानी उनमें जो है वो कमी लाने की कोशिश की जाए। और उन्होंने कहा कि तमाम तर डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स और यूटीज इस वक्त टीबी फ्री स्टेटस की तरफ बढ़ रही है और कोशिश की जा रही है कि 2020 में जो एक इनिशिएटिव लिया गया था इस इनिशिएटिव के टारगेट को 2025 तक जो है वो हासिल कर लिया जाए और टीबी फ्री इंडिया बनाया जाए यानी ट्यूबरकुलोसिस फ्री इंडिया बनाया जाए। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वादी कश्मीर के 3 इजला अभी तक ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिए जा चुके हैं। पहले 2021 में बडगाम को टीबी फ्री जोन करार दिया गया था और अब अनंतनाग और पुलवामा को भी ट्यूबरकुलोसिस फ्री जोन करार दिया गया है, क्योंकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में कमी आए और स्क्रीनिंग वगैरह लगातार की जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि 2025 से पहले पहले तमाम तर स्टेट्स यूटीज और डिस्ट्रिक्ट्स जो है इस ट्यूबरकुलोसिस फ्री को जो है वो अचीव इस टारगेट को जो है वो अचीव कर पाएं।